नाले के पानी का बहाव को लेकर दो गुटों में हुई जमकर मारपीट। मामला गोड्डा जिला अंतर्गत केमाही पंचायत का। आपको बता दें कि केमाही की रहने वाली आयशा खातून ने बताया कि गांव के ही मोहम्मद इकबाल मोहम्मद जफर के साथ कई सालों से विवाद चल रहा था, लेकिन शुक्रवार को बात मारपीट तक पहुंच गई। मोहम्मद इकबाल मोहम्मद जफर ने उन्हें और उनके माता पिता को बुरी तरह से मारा। किस किस को मार लगी है? मेरी मम्मी को भी, हमको भी, मेरे पापा को भी और मेरे बाजू। क्या नाम है आपके पापा का? पापा का मोहम्मद मुबारक। मम्मी का? सैफुल निसम। आपका? आयशा खातून। मारने वाला का क्या नाम है? मोहम्मद इकबाल और मोहम्मद जफर और मोहम्मद मेहता। घर कहाँ हुआ? कौन सा डिस्ट्रिक्ट, कौन सा है? गोड्डा पंचायत। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन में जहां प्रदेश में पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मियों का लाभ का समाज सेवियों के द्वारा लोगों को मदद की जा रही है, और ऐसे समाज सेवा के लिए जमकर सराहना भी कर रहे हैं मीडिया, उनके फोटो खींच रही है अखबार, अपने पन्नों पर लगा रहे हैं। ऐसे में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो चुपचाप मानवता का धर्म निभाते हुए लोगों की मदद कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं गोड्डा जिला के गायत्री परिवार संघ की। आपको बता दें कि गायत्री परिवार हर दिन अपने घर से निकलती है और जरूरतमंदों तक मदद पहुँचाती है, पूर्व को खाना खिलाती है और बिना किसी मीडिया कवरेज के चुपचाप अपने काम को करते रहते हैं। ये जो गरीब हैं, जो असहाय हैं, जिनको भोजन नहीं मिल पा रहा है, उनको हम लोग करा रहे हैं। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से आज बांट रहा हूँ मैं, 2 माह से लगभग जब से हुआ है। मुख्यतः गांव घर में जा रहा हूँ और प्रायः जो रोड किनारे हैं, झुग्गी झोपड़ी में हैं, उन लोग को हम लोग दे रहे हैं घूम घूम कर, जो जिनकी आवश्यकता है। अभी ये बस में आए हुए हैं लोग बाहर से, उन लोग को भी दे रहे हैं। अब ये रोड के किनारे जो जितने हैं सबको खोज खोज के प्रायः हम लोग देते हैं, गांव में भी जाते हैं, प्रायः परिवार के तरफ से दे रहे हैं, गायत्री परिवार गोड्डा के तरफ से। वहाँ पे कम 40 दिन से फंसा हुआ है। कैसे आए? बस से आए। जांच हुई आपकी? हाँ। क्या नाम हुआ? जितेंद्र नाम। जाना कहाँ है? बदरगवा। तिलक सोरेन। कहाँ से आ रहे हैं? उड़ीसा। क्या करते थे? आईटी हम करते थे। कितने दिनों से फंसे थे उड़ीसा में? 3 महीना हो गए। क्या दिक्कतें हो रही थी वहाँ? दिक्कत तो नहीं हो रही थी, आने जाने का फिर बहुत दिक्कत, घर में जल बच्चा ख्याल करते हैं ना। कहाँ जाना अभी? अभी किरवार पंचायत। राज्य एवं जिलों से कुल 161 प्रवासी मजदूरों को घर लाने के लिए जिला प्रशासन ने बस सुविधा प्रदान कर गोड्डा लाया एवं लाकर गोड्डा कॉलेज गोड्डा में स्क्रीनिंग कर होम क्वारंटाइन हेतु उनके घर भेज दिया गया है, तथा जो रेड जोन वाले राज्यों से आने वाले लोगों को जिला के क्वारंटाइन केंद्रों में भेजा गया। वेलकम टू होम थीम से जिला प्रशासन ने स्वागत। झारखंड सरकार के तंबाकू गुटखा पर लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद तंबाकू के गोरख धंधे में संलिप्त 3 लोगों को भारी मात्रा में विमल तुलसी के साथ गोड्डा पुलिस के द्वारा बिहार बॉर्डर के खुशियां चेक पोस्ट पर गिरफ्तार किया गया। शुक्रवार को गोड्डा जिला के सभी 9 प्रखंडों के 198 पंचायतों में 394 मुख्यमंत्री दीदी किचन के द्वारा कुल मिलाकर 17,219 लाभुकों को निःशुल्क दोपहर का भोजन खिलाया गया, जिसमें महिला और पुरुष शामिल हैं। इसमें 931 गांव के लाभुक लाभान्वित हो रहे हैं। उपायुक्त गोड्डा ने जानकारी देते हुए बताया कि देश के विभिन्न जगहों पर इंटर स्टेट सीमाओं पर स्थानीय प्रशासन द्वारा ट्रकों के आवागमन को अलग अलग पास के आधार पर रोके जाने की सूचना प्राप्त होने पर सचिव गृह मंत्रालय भारत सरकार के अर्ध सरकारी पत्र के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जरूरी एवं गैर जरूरी सामानों से संबंधित सभी गुड्स करियर व्हीकल एवं ट्रकों के परिचालन के लिए पास की आवश्यकता नहीं है। यह वैसे ट्रकों पर भी लागू होगा जो सामानों को उतारकर वापस खाली लौट रहे हैं। शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक गोड्डा के निर्देशानुसार पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा विभिन्न चेक पोस्ट का निरीक्षण किया गया। अनावश्यक रूप से 2 पहिया वाहनों समेत अन्य प्रकार के वाहनों को लेकर चलने पर प्रतिबंध है। साथ ही साथ जिला मुख्यालय में वाहनों के प्रवेश करने वाले मार्गों जैसे सरकंडा चौक, रोतारा चौक, मिशन चौक, कारगिल चौक, नगर थाना गोड्डा पर पुलिस बल की सख्ती बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि गोड्डा जिले में धारा 144 लागू। जिले के सुंदरपारी प्रखंड में सैनिटाइजेशन का कार्य सभी पंचायतों एवं वार्डों में किया जा रहा है। पंचायत एवं गाँव के सभी सार्वजनिक स्थलों यथा पंचायत भवन, हाट, नाला, नाली इत्यादि जगहों पर छिड़काव का कार्य प्रखंड विकास पदाधिकारी सुमन कुमार सौरभ के निर्देशानुसार सभी मुखिया के द्वारा कराया जा रहा है। प्रखंड सह अंचल कार्यालय सुंदर पहाड़ी भवन के अतिरिक्त हॉस्पिटल, कस्तूरबा विद्यालय इत्यादि जगहों को भी सैनिटाइज किया जा रहा है।